नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना EPFO का बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करके आप अपनी सभी कंपनीज में जितना भी आपका PF है उन सभी को चेक कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये चीज़ सीखनी है तो आपको मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहना होगा, और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों, अगर आपको EPFO का PF बैलेंस चेक करना है तो आपको सबसे पहले आ जाना है अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आके आपको लिखना है UAN पासबुक। जैसे ही आप UAN पासबुक लिख के सर्च करेंगे, आपके पास पहले ही ऑप्शन आ जाएगा पासबुक epfindia.gov.in। आपको यहाँ पर जाके दोस्तों EPFO मेंबर पासबुक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ पर UAN नंबर और पासवर्ड भरने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पे अपना जो UAN नंबर है जो कंपनी ने आपको दिया है वो, और जो पासवर्ड आपको बना के दिया जाता है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे भरना है। तो हम जल्दी से अपना UAN नंबर और पासवर्ड यहाँ पे भर लेते हैं। और दोस्तों, इस तरह का पेज मिलने के बाद में आपको अपनी कंपनी के पास में मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी है। आपने दोस्तों जितनी भी कंपनीज में काम किया होगा उन सभी की मेंबर आईडी आपको यहाँ पर शो होगी। तो आपको अपनी मेंबर आईडी शो होने के बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना है कोई भी जिससे आप अपना ईपीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसको देखने के बाद में मैं अपनी पासबुक व्यू पासबुक पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं व्यू पासबुक पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पासबुक डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। और दोस्तों, ये मेरा जो है, ये मेरा पीएफ बैलेंस यहाँ पर, ये देखिए, ये दिखा रहा है, ये मेरा 12,139 पीएफ बैलेंस इसमें पड़ा हुआ है मेरा। जैसे कि इसकी पासबुक मुझे दिखाई दे रही है एक और दूसरी कंपनी की, इसमें मेरा क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 26,094। तो दोस्तों, इस तरह से आप चाहें तो अपनी पासबुक को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और केवल अपने फ़ोन पर लॉगिन करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।